अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं फूड किंग शेफ हम्माद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से। तो आज हम क्रिस्पी फिश फ्राई बनाते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, आप ये घर में बनाएं। यहाँ हम 1.5 टीस्पून धनिया लेंगे, कुटा हुआ धनिया, और यहाँ हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, ये भी कुटा हुआ है, और यहाँ हम 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, और यहाँ हम 1/2 कप बेसन लेंगे, और यहाँ मैंने एक रोहू मच्छी ले ली थी जिसे मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से, और जिसे मैंने इस स्लाइस में कर लिया, ये देखे इस स्लाइस में। तो चले स्टार्ट करते, बहुत सिंपल है, बहुत झटपट। यहाँ देखे, यहाँ मैंने बेसन ले लिया, इसके अंदर मैं डाल लूँगा कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, धनिया और ये नमक, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। ये देखे, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, और अब एक मच्छी पकड़ेंगे, एक मच्छी का स्लाइस, और इसमें रखते जाएंगे, साथ साथ कोट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। आप इसे कोटिंग करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जब दिल करे आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश अच्छा लगता है फ्रीज करने से। और अब मैं इसे डायरेक्ट ऑयल में डाल दूंगा। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चूल्हा हमारा मीडियम पर है, और अब मैं साथ साथ डालता जाऊंगा, और ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, इसी तरह मैं दूसरा कर लूँगा। अब मैं इसे भी कोट कर लूँगा, साथ साथ आसान भी रहेगा और फ्राई भी होता जाएगा इस तरीके से। ये बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, सभी को तो वैसे भी मच्छी फ्राई पसंद होती है। अब ये भी हम डालते जाएंगे इसी तरीके से, ये भी मैं कर लूँगा। ये देखिए, और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगा। और अब मैं इसे 5 मिनट तक और पका लूंगा मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, ये फिश हमारे फ्राई हो गए और अब मैं इसे निकाल दूंगा। ये देखिए, फिश का फाइनल लुक आपको जरूर पसंद आएगा, और अब मैं इसे निकाल लूंगा। ये देखें, अब मैं इसी तरीके से सारे फ्राई कर लूँगा। ये देखें, कितने इजी से फ़िश फ्राई हमारे तैयार है। उम्मीद है आपको इस क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये फ़िश फ्राई की आसान से रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।